प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आप इन्हें जानते हैं काफ़ी यूट्यूब चैनल पे और हमारे जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल पे आपने इन्हें देखा है। बहुत ही अच्छे तरीका से ये सिस्टर जो है प्रे करती हैं और लोगों को यीशु मसीह के मार्ग के बारे में बताया जाता है। मेरे मसीही भाई बहनों, सबसे पहले आइए हम इनके बारे में सबसे पहले इनका नाम जानते हैं कि आप लोग भी इनकी नाम को नहीं जानते इसका क्या कैसे आए और किस तरह से आइए सबसे पहले इनका नाम को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। सबको जय मसीह की भाई बहन को जय मसीह बोलते हैं, प्रणाम भी करते हैं। और मेरा नाम ललिता चौधरी है, मेरा घर बेगूसराय जिला पड़ता है और मैके समस्तीपुर जिला है। तो ये बताइए, ये ललिता सिस्टर जो है यहाँ पे बेगूसराय में है और मैं इस वक्त बेगूसराय में उपस्थित हूँ और इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और यहाँ पर इनके साथ काफ़ी मसीह सताव अचानक बढ़ती है और रोसरा में इस जगह पर हूँ मैं, समस्तीपुर मतलब बेगूसराय के आगे रोसरा पड़ता है, वो 1.5 घंटा का रास्ता है। आप लोग भी आ सकते हैं, इनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। और हालांकि इनके साथ काफ़ी बहुत ही अद्भुत गवाही सामने निकल कर आया जब मैंने इनके बारे में जाना और आप लोगों को भी वीडियो को बताया। तो ये बताइए, आप एक हिंदू फैमिली से हैं और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह में आए, अब बाहर की, जबकि मैं मेरे मसीह भाई आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि बाहर काफ़ी मतलब हजारों के तादाद में भीड़ इनके पास आए प्रार्थना करने के लिए कि यीशु मसीह से ये प्रार्थना करेंगे तो चंगे हो जाएगा। बहुत सारे ऐसी गवाहियां भी सामने निकल कर आती है कि जब ये प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इनकी प्रार्थना को सुनता है और हाँ और आमीन में उत्तर देकर इनकी मतलब और प्रोत्साहित कर प्रभु और मतलब इनकी विश्वास को मजबूत कर आगे की ओर बढ़ाता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे प्रार्थना सभा कर रहे हैं तो क्या कोई प्रशासन, कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई भी मतलब उपद्रवकर्ता लोग आपको परेशान वगैरह ऐसा किया है? परेशान तो बहुत किए हैं, बजरंग दल और बीजेपी वाले और जितने ब्राह्मण लोग सब हैं, ब्राह्मण लोग सब हैं, सब मिलकर बहुत विरोध किए। हाँ हाँ। और हमको बड़ा बड़ा प्रशासन भी बुलाए, डीएम, एसपी, एसडीओ, बीडीओ सब बुलाए। और मैं सबके पास जाती हूँ और सब भाई लोग से हम प्रार्थना हम कर देते हैं और कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन हम नहीं करवाते हैं जी जी, और लेकिन मन परिवर्तन कराते हैं नहीं तो। और परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करना जरूरी है, जो हम लोग को जन्म दिए हैं जी जी। उस महान पिता को नाम लीजिए जो हम सबको बनाए हैं, जो मेरा कुमार है उनको हम आराधना स्तुति करते हैं। और मैं भी बहुत दुखी थे। नहीं मैं आपकी क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँ, मैं सुना कि आपके पति जो हैं उनको पुलिस ने काफ़ी धमकी दिया कि आपको जेल में बंद करा, आपको भी मिला मेरे हाँ। जैसा कि मुझे सुनने में आया है धमकी, तो पहले तो हमको मतलब छोड़ाई थाना पकड़ के ले गया, आपको ले गया पकड़ के? हाँ जी जी। तो वहाँ पर हमको बंद करवा दिया, तो हम पकड़ के ले गया और बोला कि जे धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है आप पर। हाँ। तो हम बोले कि देखिए सबसे पूछिए कैसे धर्म परिवर्तन होता है, हमको खुद पता नहीं, हम लोग तो मन परिवर्तन किए हैं जी जी। और कहीं तो ऐसा मेरा ये पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, इसमें कहीं तो लिखा हुआ नहीं है धर्म परिवर्तन जी। इसमें लिखा हुआ रहेगा तो हमको जो कहिएगा सो हम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद सब लोग सोचने लगे कि इत महिला जो बोल रही है हकीकत बात की, सिर्फ मैं पिता परमेश्वर यीशु प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, मेरा पिता मेरा प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए ललिता सिस्टर बहन, आपका एक चीज़ वीडियो में, एक वीडियो मैंने देखा था उसमें आप अपने पति के बारे में बता रही थी कि आप पति आपको मार के भगा दिया था, ऐसा आपको फिर उसके बाद आपको मार के भगाने के बाद आपके भी इधर उधर भटके, फिर अचानक प्रभु यीशु मसीह का आपने क्या आपको लगा, कौन आपको बताया, कैसे हुआ जो आप यहाँ पे और आज हजारों के तादाद की भीड़ों को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं? जब मैं बेगूसराय में रहते थे तो बहुत मेरे ऊपर दुर्गा काली जीन जीनाथ मुस्लिम का देवी देवता जितना होता है सब मुझको पकड़ लिया, भूत भूतनी जितना होता है सब शैतान गरस लिया। 2-3 साल हम 5 साल करीब
उसी तरह हम रहे और मेरे घर में खाने का भी आफत हो गया। उसके बाद 36 को भगत भक्तिनी और मजार पर हम गए, कोई मुझको ठीक नहीं किया, एक भी नहीं, ने मजार वाले और ना भगत भक्तिनी और ना मौलाना, एक भी जन ने मुझको ठीक किए। उसके बाद मेरा पति बोला कि जिसके घर में इतना देवी और देवता रहेगा और जिन जिन्नात रहेगा, जिन तो लाला को लोग का घर भरता है, तुम्हारे ऊपर कैसा जिन है कि अभी तक विनाशी में हम लोग जा रहे हैं, उन्नति वृद्धि का नाम नहीं। तो हम बोले हमको क्या पता है, हम नहीं जानते, इतना हम सीरियस हो जाते थे कि 30,000-40,000 एक बार में रुपया लगता। डॉक्टर बोला कि नहीं, इसके अंदर में कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद सब भगत भक्तनियाँ बहुत भौखे, बाहर जगह गए, शैतानी आत्मा को कोई मुझको अलग नहीं किया। जब मेरा पति मारपीट को भगाए कि जाओ, ऐसा हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, जिसके घर में देवी देवता और जिन जिन्नात रहेगा उसके घर में खाने का आफत होगा, तुम शैतान हो, तुम्हारे अंदर शैतान है, तो मेरे जीवन से तुम भाग जाओ, निकलो, बस हमको भगा दिए। हम भागल भगल अपना मायके आए। मायके आने के बाद में क्या हुआ, मेरी माँ अपना माँ को बोले कि फिर हम मतलब रहेंगे मायके में, फिर तो मेरा हस्बैंड ले जाएंगे, ऐसे बढ़िया हम कहीं डेरा लेकर रखो, नहीं तो कहीं बाहर चलते हैं तो उधर मर जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन फिर इस बिहार में हम नहीं आना पसंद करते हैं। मेरी माँ बोली कि नहीं, इतना डेरा लेकर हम तुमको रखते हैं, अभी पैसा वैसा नहीं है, फिर कमाएंगे तब न पैसा वैसा होगा। मेरी माँ बहुत दुख करती थी, तो हम बोले ठीक है, जो करती है ठीक है। अरे रुकिए, इमोशनल मत बोलिए। उसके बाद मेरी माँ का मार करके लाती थी, हम खाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम चिंता में रात दिन हम परे रहते थे कि कोई मुझको ठीक नहीं किया, अब हम कहाँ जाए, हम तो रोड पर हम आ गए। उसके बाद मेरा हस्बैंड खोदते खोदते फिर पता चला कि डेरा ले टीरा रही है रोसरा समस्तीपुर में। उसके बाद क्या हुआ कि खोदते खोदते यहाँ पर आए, रोसरा में हम मिल गए। मेरा एक भाई है मुकामा के रहने वाले हैं, अजय चौधरी नाम है, मेरा दीदी का भाई है, वो मिला मेरा हस्बैंड को, रोड पर बैठे हुए थे, मिला कब के जिया जी यहाँ पर, तो हाँ दीदी को नहीं शैतान सब आता है मार के भगा दिए, इसलिए ये आकर डेरा लेकर इसी जगह ही रहती है रोसरा में। रोसरा जहाँ पे अभी आप, हाँ, समस्तीपुर जिला रोसरा अनुमंडल, जहाँ पे अभी आप आराधना अभी हम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तब बोले कि तो हम क्या करें, तब हम कल आते हैं, शनिवार के टाइम था, रविवार के आए, आने के बाद में हमको ले गए कि चलो चलो। मेरा हस्बैंड बोले कि नहीं कहीं नहीं जाएगा, हम भी बोले कहाँ जाएंगे, अब तो हर देवी देवता के और मजाक पर जाकर मैं थक गया, कोई मुझको ठीक नहीं, हमको मरने के लिए छोड़ दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। बोले नहीं चलिए ना, एक जगह जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, जो मेरे लिए मरे हैं। कहले कौन मरे लिए, आपके लिए मरे हैं, हाँ मरे हैं, चलिए। मेरा हस्बैंड बोला कि नहीं जाएंगे, हम पहले हम जाएंगे, अब तुम कहाँ ले जा रहे हो। फिर मेरा हस्बैंड भी विश्वास नहीं किए और मैं भी नहीं किया। फिर एकाएक मेरे अंदर की आत्मा आवाज की कि बुलाने के लिए तुमको अजय आया, तुम्हारा हस्बैंड जाकर क्या करे, तो हस्बैंड को भी लो तुम भी चलो। हम कहिए ना हम जाएंगे, आप भी चलिए, लेकिन अजय कहाँ जा रहे, इतना तो जगह भूल आए, कोई ठीक नहीं किया, कहीं आप अजय कह रहे हैं तो किसी मनुष्य को बात पर विश्वास भी करना जरूरी है, चलिए। फिर हम नहाए नहीं, कपड़ा सिर पर हमको बदला दिया और हम बदल कर और हम चल गए तो वहाँ गए, हाउस चर्च था, तो वृद्ध पास्टर को देखे, हम सोचे कि भगत आर है, तो कहले कि इतना ठीक है नहीं किया, ये बुढ़ा किया हमको ठीक करेंगे, मन में ऐसा लगा। और ना यहाँ फूल पत्ती है, ना धूप अगरबत्ती है, कुछ भी नहीं है, कैसे ठीक हो जाए। अजय चलिए हम यहाँ पर ठीक होने वाले नहीं हैं, चलिए चलिए। अजय बोला नहीं इसको पकड़ के रखना, ये भागेगी, इसके अंदर में शैतान है, ये भागेगी। सब मिलकर हमको पकड़ के बैठाए, जब प्रार्थना हुई तो हम कहिए क्या आँख बंद करके, आँख भी मुनता था, हम आँख खोल लेते थे कि क्या कुछ करियो रहा ये लोग, फिर देखते थे सब प्रार्थना में है, हम फिर आँख बंद कर, इसी तरह सिलसिला जारी रही। जब पास्टर जी इसको बाइबल को ऐसे करके निकाला, के लिए इतना धूप धुएं से फूल पत्ती से हम ठीक नहीं हुए, आई किताब से कहीं हम ठीक होने वाले हैं, मुझको अंदर में घमंड था कि जी ठीक होगा, ये झूठ मूठ के यहाँ पर हमको ले आया अजिया और यहाँ ठीक होने होंगे हम। फिर हम चुपचाप हम भाग रहे थे, फिर कस के पकड़ लिया दोनों साइड से बैठा कर रखा, मत पास्टर जी बाइबल खोल कर और वचन देने आ
कीजिए हे मनुष्यों, परमेश्वर को दंडवत करो, परमेश्वर को दंडवत करो। हम सोचे परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर है सबको बनाने वाला, देवी देवता को मनुष्य को बनाने वाला है। मनुष्य भी परमेश्वर को दंडवत करेगा, देवी भी परमेश्वर को दंडवत करेगा, देवता भी दंडवत। तोरा कौन परमेश्वर, परमेश्वर का नाम था है ब्रह्मा जी, विष्णु महेश हुआ। तो बोले नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाला एक ईश्वर है, उनका नाम है यहोवा परमेश्वर। तो हम बोले यहोवा परमेश्वर क्या होता है, तो बोले है यहोवा परमेश्वर है, या हवा देने वाले को यहोवा कहा जाता है, वो परमेश्वर है। तो कहिए कि ऐसा था पास्टर जी, हम वचन देने के लिए उस टाइम से नहीं दिए, एक ही शब्द में 2 घंटा उनसे टाइम लिए। और पास्टर जी बताते गए बताते गए बताते गए, और बताते बताते हमको समझ में आया कि जिंदा परमेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर हैं। बस उसी दिन मैं संकल्प कर लिया कि मरूं और जीऊं, जो मेरा परमेश्वर है सबका परमेश्वर, मैं आज से अभी से उनका मैं मानता हूँ। तो ठीक है, देख रहे एक बहुत ही खूबसूरत सी गवाही है मेरे मसीह भाई, किस तरह से इन्होंने परमेश्वर में आया और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से ब्लेस किया, और काफ़ी भावुक उनकी गवाही टेस्ट मनी थी। लेकिन हम इनसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आप जो ये सेवा कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, क्या ये आप ऑथराइज कर रहे हैं, क्या आप जो इस बाइबल को आपने मुझे दिखाया, आप नहीं देख पा रहे मेरे मसीह भाई, इस बाइबल को इन्होंने सिस्टर ने दिखाया, क्या आपने बाइबल ट्रेनिंग किया, क्या बाइबल ट्रेनिंग किया, तो क्या आप जो सेवा कर रहे हैं लीज पे, जो भी मैंने देखा काफ़ी ज़मीन वगैरह आप ले रखे हुए हैं, और मेरे मसीह भाई आप वीडियो में देखा भी कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपने देखा भी काफ़ी इन्होंने सेवा कर, और उससे लोग चंगाई प्राप्त। लेकिन इसका भी एक नियम होता है, कानून होता है, संविधानिक कानून होता है कि कोई भी कार्य किया जाता है, दुकान भी शॉप भी खोला जाता है, तो रजिस्टर्ड के द्वारा ही खोला जाता है। तो आपने बाइबल ट्रेनिंग कहाँ से किया? मेरा जो पास्टर जी हैं वही मेरा पास्टर जी, बाहर का पास्टर मतलब आते थे और हमको बाइबल ट्रेनिंग, हाँ मेरा पति और बहुत भाई बहन थे, बाइबल ट्रेनिंग किए, सर्टिफिकेट भी मेरे पास में है, और प्रशासन भी उनको कर दे दिए हैं, और परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। पहले तो 2-4 आदमी से हम चालू किए थे, और हमको विश्वास नहीं होता था कि हम कहीं प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगा होगा, लेकिन हम परमेश्वर वचन में बताती है जो मेरे नाम से जो कुछ मांगेगा मैं उनको देने वाला परमेश्वर हूँ। तो क्या इस, हाँ ठीक है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगता है उनको उनको मिलता है? ठीक है मेरे मसीह, वो हम समझ रहे हैं कि प्रभु देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि प्रभु आपके साथ है, हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर और भी अद्भुत कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल होता है कि आपके पास जो प्रशासन आता है वो आपको मतलब आपके घरवाले को आप मेंटली हरासमेंट भी किया जाता है ना, तो उस चीज़ के बचने के लिए आपके पास ऑथराइज वगैरह कागज है या आप किस तरह से कर रहे काम? कागज तो है, हाँ हम रजिस्ट्रेशन हम करवा लिए जी, ठीक हाँ, और अब कागजे के द्वारा मेरा सारा सिस्टम हो रही है। तो आप ये मतलब बहुत हेल्प करता है आपको? हाँ। प्रशासन हमको बहुत हेल्प करते हैं, डीएम वीडियो प्रशासन सारा हमको, एसडीओ सब हमको हेल्प कर रहे हैं अभी के समय, इसलिए बहुत आया कर यहाँ पर बैठकर प्रशासन सब बैठकर चेक करके गए, और हर विश्वासी से पूछ कर भी गए कि हकीकत में यहाँ चंगाई मिल रहा है, तो विश्वासी सब बोलते हैं चंगाई मिलता है तब तो इतना भीड़ की संख्या आती है और जाती है, तो विश्वास हो गया प्रशासन को कि हकीकत में यहाँ पर दुआ प्रार्थना के द्वारा लोग चंगा होते हैं। और हम ब्यूटिशियन हैं, 2003 से ब्यूटिशियन हैं, और मेरा पार्लर भी देखते हैं, बंद कर करके हम सेवा देते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गवाही है सामने निकल कर आ रहा है कि ये एक ब्यूटिशियन है, और ब्यूटिशियन का वैल्यू कुछ नहीं होता है, सिर्फ आम होता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो एक रास्ते का कंकर भी होता है, तो वो एक अनमोल हो जाता है। आज देखिए इनके पास हजारों के कम से कम, बाहर आपकी वीडियो आपको मैं दिखाऊँगा, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, और ये खुद एक पार्लर चलाती हैं, ब्यूटिशियन है मतलब दुल्हन वगैरह सजाती हैं, मतलब फेशियल वगैरह ये सब लेडीज़ का करती हैं,
उनका इसका तो कोई मोल ही नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसे कहाँ से कैसे उठाया और यहाँ तक प्रशासन अभी इन्होंने बताया कि इनका मतलब ट्रस्ट का जो अब कार्य करते हैं रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है और सारा प्रशासन शासन सब इनको मदद भी कर रहा है। ये बहुत ही एक बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये आप अपने जीवन में भी सीख सकते हैं कि जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह के नाम लिया वो कभी लज्जित नहीं हुआ, वो अनंत जीवन पाया। तो ये बहुत अच्छा आपकी गवाही था। तो आप अगर कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपने ओपिनियन देना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो दो शब्द आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम यह कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि थोड़ा हम लोग का भी मदद कीजिए, और कुछ से नहीं कीजिएगा तो सेल्फ बोली से भी कीजिए, एक आध दो को वचन भी आप लोग देते हैं। बहुत पास्टर भाई लोग बहुत बहुत दूर से, तो हमको बहुत आनंद मिलता है, हमको ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु खुद बोल रहे हैं हमसे। बहुत बहुत दूर से मतलब पास्टर लोग, जैसे कर्नाटक हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, लंदन हुआ, और बहुत बहुत दुबई से भी पास्टर लोग बात करते हैं, और दिल्ली वाले मतलब हर जगह का पास्टर लोग हमसे बात करते हैं और वचन से शेयर करते हैं और हमको सिखाते हैं बहुत चीज़। उनको भाई बहन के जय मसीह करते हैं कि हमको ऐसा फील होता है मेरा प्रभु यीशु मसीह हमसे खुद बात कर रहे हैं। हम बहुत आनंद हो जाते हैं, आनंद का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन बहुत हम आनंद होते हैं कि मेरा भाई लोग मेरे साथ हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पास में ज़मीन नहीं है, प्रशासन कहते हैं कि ये कम से कम एको बीघा या 10 कट्ठा या 5 कट्ठा अपना ज़मीन लो, अपना ज़मीन में करो, रोड को क्लियर करो। तो मेरे पास में पैसा नहीं है भाई लोग, तो पास्टर लोग, मैं क्या करूँ भाई, चिंता में रहती हूँ कि परमेश्वर हमको सिर्फ 5-10 कट्ठा ज़मीन दे दे, कितना विश्वासी भाई बहन के रखूँ। हमको बहुत कष्ट दे रहा है, ज़मीन नहीं दे रहा है, हमको कोई भगा रहा है, सब कैसे ज़मीन नहीं देंगे, हमको डांट गया हो, गाड़ी भी देता है ज़मीन वाले, सब बहुत गाली देता है, मेरा विश्वास है मुझको भी गाली देता। ठीक है परमेश्वर, मेरे पास में ज़मीन नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आप परेशान मत होइए। नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, रोना नहीं है, और परमेश्वर व्यवस्था करेंगे। मेरे मसीह भाइयों, अगर आप मदद इनका करना चाहते तो आप हमारा इनका एड्रेस लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बेगूसराय, आप पटना से बेगूसराय का बस या ट्रेन पकड़िए, और वहाँ से रोसरा का आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या पटना से बस पकड़िए तो रोसरा भी आ सकता है, पटना से डायरेक्ट बस, अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको पटना से बेगूसराय आना पड़ेगा, और बेगूसराय आने के बाद रोसरा एड्रेस है, रोसरा में आकर कहीं भी पाँचों पूरा आप आइए, और यहाँ पर पाँचों पूरा आकर इस सिस्टर से मिल सकते हैं। आराधना घर के नाम से सिस्टर का है, और जैसे ही आप रोसरा एंट्री करेंगे, इनके नाम ये काफ़ी लोग वहाँ पर जानते हैं, आपको पूछने के किसी से भी पूछिएगा तो आप इनका घर पहुँचा बता दिया जाएगा। तो थैंक यू, प्रभु आप सब लोग इनके लिए खास करके प्रार्थना कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए प्रार्थना कीजिए और ब्लेस्ड कीजिए इनको, क्योंकि ये प्रभु में और तेज़ी से बढ़ना पाए, और बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो नर्क की ओर जा रही है ये बचाना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।